वेस्टइंडीज टीम के पूर्व कप्तान और टीम को दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी डेरन सैमी को पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि डेरन सैमी को पाकिस्तान सरकार के द्वारा सितारा ए इम्तियाज खिताब से नवाजा गया है। इस बात की जानकारी खुद डेरन सैमी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए दी। उन्होंने इस बात की जानकारी और कुछ तस्वीरों को साझा किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा सितारा ए इम्तियाज पुरस्कार के लिए साहित्य, कला, खेल, चिकित्सा या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है और ऐसे में सैमी को इस साल के लिए चुना गया। डेरन सैमी की बात करें तो वह पाकिस्तान में होने वाली T20 लीग PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी पेशावर जालमी के कोच और कप्तान रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने इस अवार्ड की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि मैं क्रिकेट खेलते हुए पूरी दुनिया घूमा, क्रिकेट ने मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका दिया, वहीं मुझे कुछ अद्भुत जगहों को देखने का और वहां खेलने का मौका भी मिला। पाकिस्तान उनमें से एक जगह है, यह मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। मैं पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों का इस पुरस्कार के लिए धन्यवाद करता हूं। डेरन सैमी की बात करें तो वेस्टइंडीज़ के कप्तान के तौर पर उन्होंने साल 2012 और 2016 में टीम को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था। इसके अलावा उनके करियर की बात करें तो वह 38 टेस्ट मैच, 126 वनडे और 68 T20 मैच खेल चुके हैं। उनके नाम टेस्ट में 1323 रन के साथ एक शतक और वनडे में 9 हाफ सेंचुरीज हैं। इसके अलावा T20 में डेरन सैमी 587 रन लगा चुके हैं। आपकी क्या राय है डेरन सैमी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।